गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 में तीसरा काव्य जिसका नाम है मत बांटो इंसान, जिसके कवि है विनय महाजन। मत बांटो इंसान और कवि है विनय महाजन, बराबर। यह कविता ऐसी है कि सबको हिल मिलकर रहने की विनय महाजन ने बात की है। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है, सभी मनुष्य समान है, प्रकृति ने भी एक जैसा सबको बनाया है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी की है और इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के बंटवारे हुए हैं। भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की कवि ने हम सभी को इस काव्य से प्रेरणा दिए, सीख दी। तो पहले हम इस कविता को गाते गाते समझेंगे। विनय महाजन ने इस कविता में सबको हिल मिलजुल कर रहने की बात की गई। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा इंसान को। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला मालों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इस पंक्ति में कवि ने कहा है मत बांटो इंसान को। कवि दुनिया के लोगों को कहते हैं कि भगवान ने सबको एक ही बनाया है, परंतु तुमने ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनवाकर भगवान का बंटवारा कर दिया है। वैसे तो भगवान हमारे लिए एक ही है, लेकिन हिंदुओं ने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने मस्जिद बनाया, सिखों ने गुरुद्वारा बनाया, इस तरह भगवान का भी बंटवारा हो गया है। ऐसा कवि महाजन विनय महाजन जी कहते हैं कि भगवान का अलग अलग पूजा स्थान बनाकर भगवान का बंटवारा यहीं पे हुआ है। उसी तरह अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा हुआ है, इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा हो गया है। इस धरती का बंटवारा कैसे हुआ है? अलग अलग देश की सीमाएं बनाकर, और सागर के भी इसी तरह अलग अलग बंटवारे हो गए और इस हिस्सों पर अधिकार कर उसके भी बंटवारे उसको बांट लिया है, बंटवारे कर दिए। अब कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो, ऐसा कवि महाजन कहते हैं कि हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, पारसी, ईसाई, इस सभी ने अपने अपने पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। उसी तरह धरती के भी अलग अलग देश बनाकर धरती के भी बंटवारे हो गए, सागर के भी उसी तरह ही बंटवारे हो गए हैं। तो कवि महाजन कहते हैं कि कम से कम अब इंसान का, मनुष्य का बंटवारा मत करो। तो मत बांटो इंसान को, इस कविता का शीर्षक इस पर आया गया है। आगे देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील मितान है, पर प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी भरी भरी धरती है, ऊपर नील मितान है, फिर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। इस पंक्ति को देखते मिला न सूरज का संदेशा, यानी कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाता। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच सकता, तो धरती अब भी हरी भरी है। पहले की तरह जो हरी भरी धरती है, ऊपर नीले रंग का मैदान यानी कि आकाश है, और उस आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना पहले जैसी नहीं रही। कवि ने कहा है कि अब भी धरती भी हरी भरी है और नीला आकाश जो ऊपर आकाश है वो आकाश भी वैसा ही नीला पर है, लेकिन इसके
बीच में रहने वाले लोग जो है उसमें पहले जैसा प्यार नहीं रहा, यानी कि सब में भेदभाव की नीति, भेदभाव के गुण आ गए। आगे देखते हैं, अभी प्यार का जल दे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पारा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आगर का हमको खिलती हुई बहार पर। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी चलता है, जलता हुआ एक रेगिस्तान बन गया है। हमें हर प्यासी चट्टान को, चट्टान यानी कि एक बड़ा सा पत्थर चट्टान, बड़ा सा पत्थर, राह यानी रास्ता, उजियारा यानी कि उजाला प्रकाश, मंदिर यानी कि कैद। तो प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी एक जलता हुआ रेगिस्तान बन गया है, और हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हुए हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। अब आखिरी पंक्ति ये देखते हैं, हम रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, समानता के इस सूरज का संदेशा, इस सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है कि जब सब लोग एक साथ जाग जाए और अपना अपना दरवाजा खोल ले सबके घरों में, आंगन में, तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी, हर आंगन में उसी तरह खुशियाँ बढ़ाएगी जैसे बाग में बहार आती है, और विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म या अत्याचार नहीं करेगा। अब हमारे धरती पर, हमारे जग में अत्याचार, भेदभाव ये सब बहुत बढ़ रहा है, तो यह बढ़ना नहीं चाहिए और हमें हिल मिल कर रहना है। ऐसा कवि विनय महाजन ने इस काव्य में कहा है कि मनुष्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए, सभी जगह का बंटवारा हो गया है, सिर्फ मनुष्य ही रह गया है, तो अब धीरे धीरे मनुष्य का बंटवारा मत करना, मत बांटो इंसान को, यानी कि मनुष्य का बंटवारा मत करो। इस काव्य से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भेदभाव की नीति बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए, यानी कि मनुष्य का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ पीडीएफ भेजी जाएगी।